प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहटगांव में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचे। बरांचल में बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग द्वारा आयोजित किया गया शिविर में कुल 1600 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। बरांचल से लगभग 700 से अधिक लोग पहुंचे शिविर में। अरविंदो हॉस्पिटल के रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का उपचार किया गया। गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहटगांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचे। तहसील में पहली बार इतने बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ जिला न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पीसी गुप्ता, जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग, पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, DFO अंकित पांडे, CMHO HP सिंह, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अंकिता शाही, न्यायाधीश ज्योति बरखने, BMO डॉक्टर MK चोरे, प्रभारी अरविंदो हॉस्पिटल राजीव सिंह डॉक्टर आशुतोष, BMO डॉक्टर MK चोरे, SDM महेश बड़ोले के द्वारा सभी अतिथियों ने भगवान धनवंतरी का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर से आए डॉक्टरों की टीम ने लोगों का उपचार किया एवं गोली दवाई भी दी। शिविर में सभी प्रकार की बीमारियों की जांच रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा की गई। वहीं मौके पर ही विकलांगता प्रमाण पत्र आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। शिविर में नाक कान गला हृदय रोग, हड्डी रोग, त्वचा रोग, आयुष चिकित्सा, रक्तदान, कैंसर रोग, दंत रोग सहित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में वनांचल के लोग पहुंचे। वन विभाग के द्वारा वनांचल में शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। शिविर में 700 से अधिक संख्या में वनांचल के लोग उपचार के लिए पहुंचे। वनांचल के 60 किलोमीटर दूर तक के मरीज इलाज कराने के लिए शिविर में पहुंचे। जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह सराहनीय पहल है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सेवा मिल रही है। आगामी दिनों में हर पंचायत में शिविर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया जाएगा। बेहतर शासन का उद्देश्य ही यही है कि जिले के हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क और अच्छी तरीके से पहुंचे। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश PC गुप्ता ने कहा कि वनांचल में रहने वाले हर भाई को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस कमी को मैंने अनुभव किया और लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैंप के माध्यम से लाभान्वित हो, यही मेरा सपना है। मानव सेवा ही जन सेवा है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्य कार्य एवं योजनाओं के बारे में भी बताया। DFO अंकित पांडे ने कहा कि वन क्षेत्र में लोग बेहतर इलाज नहीं मिलने से परेशान रहते हैं। इस कमी को मैंने जिले में जब प्रभार लिया तब महसूस किया था कि लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था तक नहीं है। बेहतर इलाज के लिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं, इसीलिए इस कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 1600 मरीज उपचार के लिए पहुंचे, जिन्हें अलग अलग रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उपचार दिया। शिविर में 30 मरीजों की सोनोग्राफी, 20 की ECG, 140 दिव्यांग प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन हुए। शिविर में कुल 40 यूनिट रक्तदान भी हुआ। इस दौरान अरविंदो हॉस्पिटल का स्टाफ डॉक्टर हर्ष पटेल, जनपद CEO अशोक उइके, SDOP पूजा पटेल, तहसीलदार महेंद्र चौहान, रेंजर मुकेश रघुवंशी, गीता शाह, DK मराठा, थाना प्रभारी मनोज उइके, थाना प्रभारी सुशील पटेल समेत स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग का अमला मौजूद रहा। पूरे जिले में लगाएंगे, विधिक सहायता प्राधिकरण की मदद से भी लगाएंगे, अन्य विभागों की मदद से भी लगाएंगे। साथ ही मैं आप सभी यहां पर बैठे भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर पंचायत मुख्यालय पे, हर CHC और PHC पर भी जीवनम स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। उनको भी हम और बेहतर करेंगे, विशाल रूप देंगे, ताकि गांव-गांव तक, घर-घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें और लोगों को कहीं और ना जाना पड़े, उनके घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रहट गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जिला हरदा के साथ साथ श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज के विभिन्न चिकित्सक अपनी संपूर्ण टीम के साथ उपस्थित हुए। इस आयोजन में हमको वन विभाग के DFO साहब का, अपतु वन रक्षक से लेकर SDO सभी का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने वनांचल में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों को, जिनमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल थे, वो उनके घर से यहाँ तक लेकर आए। उनके भरपूर सहयोग के कारण
आज यहाँ पर करीब 1400 व्यक्तियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। करीब 130 लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र बनाकर तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 40 लोगों ने यहाँ निःशुल्क रक्तदान भी किया है। रक्तदान अपने आप में एक महादान होता है। निश्चित तौर पर जिन्होंने रक्तदान किया है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा और तहसील विधिक सेवा समिति हरदा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। हमारे CMHO डॉक्टर HP सिंह साहब और उनकी टीम ने तथा यहाँ स्थानीय जो पुलिस बल के साथ बच्चे यहाँ पर निःशुल्क कार्य करते हैं वो सुबह से यहाँ लगे रहे हैं। जो नगर रक्षा समिति है उनकी, उस नगर रक्षा समिति ने, यहाँ के स्थानीय पुलिस ने, जिला के कलेक्टर ने, पुलिस अधीक्षक ने, इवन दो यहाँ के हर चिकित्सक ने, जो भी इस कार्य से किसी भी प्रकार से जुड़ा रहा उसने अपना भरपूर सहयोग। मैंने 3 माह पूर्व जब इस ज़िले में वन मंडलाधिकारी के तौर पर प्रभार लिया था तब एक परिस्थिति ऐसी विकट सामने आई कि जो वनांचल में रहने वाले जो हमारे ग्रामीण जन हैं, भाई बंधु हैं, उन तक स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य शासन सुशासन की योजनाएं एक प्रभावी तौर तक उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था। तो हमने एक ऐसा प्रयास किया कि किस प्रकार से उन तक ये सेवाएं पहुंचाई जाएं। इसका एक सुअवसर जिला विधिक प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया और हमारे माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय श्री गुप्ता साहब ने एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहाँ पे किया और हम उनके हृदय से आभारी हैं कि इस प्रकार का एक आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यहाँ पे किया गया। इसमें वनांचल सुदूर के बहुत से जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त जो शासन सुशासन की योजनाएं हैं, खासकर अभी जो मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान भी चल रहा है जिसमें लगभग 38 सेवाओं का लाभ उन्हें प्रदान कराना है, तो हमने इस अवसर का उपयोग उसमें भी किया कि उनके आधार इत्यादि में अगर अपडेशन इत्यादि की आवश्यकता है, संबल, आयुष्मान, उसके अलावा उनके कई अन्य जैसे विकलांगता सर्टिफिकेट वगैरह जिसके लिए उन्हें काफ़ी मशक्कत करके अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता, तो वो सभी सेवाएं उन्हें एक छत्र के नीचे उपलब्ध कराई गई। मैं PHC रहड़गांव में उपस्थित सभी डॉक्टर्स जिन्होंने इसमें सहभागिता निभाई, खासकर हमारे CMHO साहब जिनके निर्देशन में मेडिकल टीम ने यह काम किया और औरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर से जो डॉक्टर्स की मेडिकल टीम आई यहाँ पर, जिन्होंने लगभग मेडिकल की हर विधा में जो भी परेशानियाँ या बीमारियाँ आती हैं उसमें लोगों का परीक्षण किया, उन्हें इलाज उपलब्ध कराए जो यहाँ उपलब्ध कराए जा सकते थे, अगर रेफरल की आवश्यकता थी तो वहाँ भी कराया, लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान भी किए। इसके अतिरिक्त जो दिव्यांग जन हैं हमारे, उनको भी जो भी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती थी उपलब्ध कराई गई। तो ये एक आयोजन मैं मानूंगा कि एक सफल आयोजन था। अब हमारा प्रयास आगे ये रहेगा कि हम वनांचल सुदूर में जाके इस तरीके के कैंपों का आयोजन वहाँ पे भी कराएं। इसके लिए मैं वापस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और हमारे माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय से मांगूंगा कि वो सहायता करें इसमें कि हम वहाँ पे भी आयोजन करें इस तरीके के कार्यक्रम का और प्रयास करें कि वनांचल सुदूर की का कोई भी व्यक्ति इन सुविधाओं से महफूज ना रहे। मैं पुनः सभी का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया धन्यवाद करता हूँ, साथ ही मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कवरेज अच्छी किया इसलिए।